बीएमपीएस से रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है, फिर 8-bit खेलने वाली है बीएमपीएस, उसके बारे में बात करेंगे, साथ में क्या चेंजेस होने वाला है, कौन प्लेयर कहाँ खेलेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएमपीएस का अनाउंसमेंट, तो देख सकते हो अभी कुछ देर पहले क्राफ्टर ने एक और पोस्ट कर दिया था जिसमें लिखा हुआ था 3 days, मतलब 22 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो ये कन्फर्म हो चुका है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। तो 22 तारीख से आप लोग इंजॉय कर पाओगे बीएमपीएस, लीग स्टेज स्टार्ट होगा, 22 से 9 तक चलेगा। अब उसमें कौन कौन सी टीम्स है, तो मोस्ट टीम्स कंफर्म है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बट यहाँ पे आप लोग ये लिस्ट देख लो जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसमें मोस्ट ऑफ द टीम्स जो यहाँ पे बीसीएस से क्वालिफाई की थी, मतलब टॉप 100 टीम्स है, तो उनको इन्विटेशन जा भी चुका है। कुछ टीम्स है जिनको नहीं गया है क्योंकि रोस्टर चेंजेस हुआ है, बहुत सारे प्लेयर सफल हुए हैं, तो क्राइटेरिया था कि जो भी टीम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को इन्विटेशन गया है तो उनमें 50 प्लेयर्स होने चाहिए जो उस टाइम बीसीएस में थे, अगर नहीं है तो फिर चेंज हो जाएगा, तो वही कुछ हुआ होगा। और एक न्यूज़ आ रहा है कि 8-bit साइज से बीएमपीएस में होने वाली है, अब ये कैसे होगा वो तो नहीं कह सकते, बट अभी यहाँ पे जितना न्यूज़ मिल रहा है तो अनाउंसमेंट भी जल्दी आ जाएगा थक भाई के द्वारा। मुझे लग रहा है कि साइज से रोस्टर चेंजेस हो रहा है कुछ ना कुछ, और यहाँ पे जलिन ने एक स्टोरी लगाया था, देख सकते हो जलिन यहाँ पे लिखी है एक न्यू जर्नी, मतलब साइज से वो एक न्यू टीम ज्वाइन करने वाले हैं। एंड अब बात करते हैं बीएमपीएस में कौन कौन से प्लेयर्स कहाँ कहाँ से खेलने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाला है। पहला दलजीत स्लेयर एंड ग्रेड 3 ई-स्पोर्ट्स प्लेयर लाइनअप होने वाला है, दलजीत स्लेयर, ड्रैको, सूर्या, व्हाइट हेड, रेयद, तो ये खेलने वाले हैं। फिर मैडमैन जो कि 8-bit में थे वो यहाँ पे लीव करके HS ज्वाइन करेंगे बीएमपीएस के लिए। लाइनअप होगा मैडमैन, जोकर, ऑक्टेवियस, बोबडोप, ह्यूमनॉइड, जायरेक्स। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि गिल कहाँ गया, तो गिल नहीं खेलने वाला HS से, जिल खेलने वाले हैं फिर से न्यूमैन से। तो न्यूमैन का यहाँ पे लाइनअप बताया जा रहा है, शैडो, क्लच गॉड, सवितार, विक्सी और गिल, तो ये होगा न्यूमैन का लाइनअप। देखते हैं अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट तो आया है नहीं, बट ये न्यूज लगभग कंफर्म है। उसके बाद मैक्सकास न्यू टीम फॉर बीएमपीएस, तो आपको पता होगा मैक्सकास ज्वाइन किए थे, क्या एक नेम था मैं भूल रहा हूँ, तो बता देना आप लोग क्या नाम था, विंगॉर्ड था हाँ, तो उसमें यहाँ पे होगा मैक्सकास, अभी रैक्स और वैक्सी, तो मे बी थोड़ा चेंजेस हो जाए बट यहाँ पे ऑलमोस्ट यही होगा। फिर उसके बाद ओआर में कुछ चेंजेस है, सीक्रेट जो कि एंटिटी में भी थे वो ज्वाइन करने वाले हैं ओआर, तो सीक्रेट, एडमिनो, मैक और ड्रिगर, ओजी के आपको पता है मेंबर है ड्रिगर, क्योंकि आपको पता है ओजी भी क्वालिफाई नहीं हुई है क्योंकि वो बीजीआईएस में बहुत पहले बाहर हो चुके थे, तो इसीलिए वो खेल रहे हैं ओआर से। फिर उसके बाद एंटिटी का लाइनअप आपको पता है वो लोग भी क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो वो लोग वीएसटी का लाइनअप में खेलने वाले हैं क्योंकि वीएसटी बीजीआईएस में अच्छा क्वालिफाई की थी, इसलिए उनका स्लॉट में साइज से खेलेंगे। फिर ओजी प्लेयर जो बाकी मेंबर्स है वो राइवलरी से खेलने वाले हैं क्योंकि राइवलरी स्पोर्ट्स का लाइनअप डिसबैंड हो चुका है, तो उसमें वो जाएंगे। फिर लाइनअप हो जाएगा एस, विज गॉड, ए के ओपी एंड राइवलरी 3 प्लेयर्स, मतलब राइवलरी का 3 प्लेयर होगा और जो ओजी का 3 प्लेयर है वो लोग मिक्स करके एक लाइनअप बनाएंगे। उसके बाद पंक का लाइनअप, तो पंक का लाइनअप आपको पता है, पंक, हंटर, अलादीन और इमोर्टल, तो ये 4 ज्वाइन करेंगे रैकनिंग में। उसके बाद केओया ज्वाइन करने वाले हैं बीबी में, रेगल्टॉस ज्वाइन करेंगे डब्ल्यूएसपी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आरजी प्लेयर्स प्लेइंग विद 4 AM, तो ये भी क्वालिफाई किए, आपको पता है बीजेएस में बहुत ही अच्छा खेले थे, अंडरडॉग टीम थी। फिर उसके साथ वीरू, तो वीरू फिर से ट्रू रिपर के साथ खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड उसके बाद सीरवी एंड कैरी ज्वाइनिंग ऑटोबॉट्स, तो भाई बहुत ज़्यादा चेंजेस है यार, मतलब बोल सकते हो ये पहला टूर्नामेंट है जिसमें इतना सारा चेंजेस होगा, तो देखते हैं यार इसके बाद भी चेंजेस होना बाकी है क्योंकि आपको पता है ये टूर्नामेंट बहुत जल्दी आ गया तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, तो परफॉर्मेंस भी प्रॉब्लम होगा। खैर आप लोग बताना आप लोग क्या लगता है कौन सी टीम परफॉर्म कर सकती है, कुछ ही टीम्स है जिसमें चेंजेस नहीं हुआ है। चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, और हाँ गॉडलाइक का रोस्टर मैंने बताया था, वही जैली, आदित्य, जॉनी, जी गॉड और नियो होगा, खैर खेलेंगे तो मेन 4 प्लेयर ही। चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।